बॉबी जय एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नागपुर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस कहावत की चरित्रार्थ करते हुए देश विदेश में मशहूर प्रतिष्ठित ब्रांड हल्दीराम ने नाश्ते में छिपकली पाए जाने वाले प्रकरण पर उल्टा ग्राहक पर ही शक जता दिया है। अपने एक बयान में हल्दीराम के द्वारा कहा गया कि ये उनके खिलाफ षड्यंत्र है। हल्दीराम ने अपने लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकतों से पल्ला झाड़ लिया है। सूत्रों की माने तो प्रबंधन ने नाश्ते में छिपकली मिलने के मामले को उल्टा ग्राहक पर ही थोप दिया। एक जानकारी के मुताबिक हल्दीराम के प्रबंधक ने कहा कि उनके प्रतिष्ठान की छवि को धूमिल करने के लिए यह षड्यंत्र की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि हल्दीराम के द्वारा दी गई यह दलील किसी के भी गले से उतर नहीं पा रही है। मामले में कई सवाल खुद ही खड़े हो रहे हैं। यदि हल्दीराम के वर्धा रोड स्थित रेस्टोरेंट का किचन साफ सफाई और सुविधाओं से युक्त है तो अन्न व औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने उसे बंद करने का नोटिस आखिर क्यों जारी किया? हल्दीराम के द्वारा ग्राहकों पर ही सवाल खड़ा क्यों किया जा रहा है? खुद प्रतिष्ठान पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। अगर उन ग्राहकों की मंशा पैसे ऐंठने की थी तो उन्हें बीमार होने पर अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया? साथ ही साथ अस्पताल का सारा खर्च भी हल्दीराम की ओर से क्यों भरा गया? वर्धा से नागपुर शॉपिंग के लिए आए हुए पीड़ित भाई बहन भूखे थे और हल्दीराम के आउटलेट में पहुंचकर सांभर ऑर्डर किया था। डॉक्टर की माने तो कुछ खाने के बाद ही ग्राहकों को विष बाधा हुई। अस्पताल पहुंचने के पहले भाई बहन ने हल्दीराम के रेस्टोरेंट में ही नाश्ता किया था। अब सवाल खड़ा होता है कि कोई जानबूझकर क्यों चिपकली वाला सांभर खाएगा और क्यों जानबूझकर अपनी मौत को आमंत्रित करेगा? अगर मरी हुई चिपकली उन ग्राहकों ने ही हल्दीराम के सांभर में पैसे हड़पने के मकसद से डाली होंगी तो हल्दीराम के हाईटेक और विश्व प्रतिष्ठान में लगे सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं पकड़ पाए? और अगर ऐसा हुआ भी है तो फिर क्यों हल्दीराम के अधिकारियों द्वारा ये रिपोर्ट पुलिस को क्यों नहीं दी पाई गई? हल्दीराम ने नागपुर की शान विश्व स्तर पर बढ़ाई है और इसलिए अगर उनकी सारी गंभीर गलतियों को यूं ही माफ किया गया तो किसी दिन वही बड़ी घटना को निमंत्रण देने जैसा ही होगा। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।